सही साबित हुए तो है? अगर सही साबित हुए तभी हम उसे माफी मांग लेंगे और क्या करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बाबा के ढाबे के बारे में, जिन्होंने मालवीय नगर थाने में फूड ब्लॉगर गौरव वसन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। तो चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित बाबा के ढाबे के मालिक 80 वर्षीय कांता प्रसाद ने फूड ब्लॉगर गौरव वसन पर पैसों की हेरा फेरी का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि कांता प्रसाद का कहना है कि जांच में गलत साबित हुए तो माफी मांग लेंगे। अगर सही साबित हुए तो हम उसे माफी मांग लेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, वैसे जो ये 20 लाख की बात आई है आपको किसने कही? अब हमने जो बताया वो बता दिया हमने, है? अब आप जा करो अंदर थाने में जाओ, वहाँ पूछो उनसे जाओ। कांता प्रसाद ने ISN को बताया, गौरव ने मुझे धोखा दिया, गौरव ने मेरी बहुत मदद की लेकिन उन्होंने मेरा खाता देने की बजाय अपना खाता दे दिया। कांता प्रसाद से जब पूछा गया कि भविष्य में जांच में आरोप गलत साबित हुए तो क्या करेंगे, इसके जवाब में कांता प्रसाद ने कहा, समय आने पर देखेंगे क्या करना है, अभी फिलहाल जांच हो रही है, मुझे माफी मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी क्योंकि गौरव ने हमारा भला किया था। लेकिन एक छोटी सी बात के लिए वो खुद फंस गए। जांच में गलत साबित हुए तो माफी मांग लेंगे क्योंकि हमें पश्चाताप रहेगा क्योंकि अगले बंदे ने हमारी मदद की थी। हालांकि यूट्यूबर गौरव वसन ने इन आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि इन आरोपों में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। ये सच होता तो मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट सही प्रूफ करने के लिए नहीं आता। मेरे खाते में जो भी पैसा आया वो सारा पैसा बाबा को दिया है। पुलिस ने मुझसे मेरे स्टेटमेंट मांगे थे जो दे चुका हूँ। बाबा को जब सच पता लगेगा तो आखिरी में इसका परिणाम सही होगा। और गौरव का कहना है कि मैं गलत साबित नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है और 25 लाख अकाउंट में होंगे तब गलत साबित होऊंगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल रियलिटी फॉर यू क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।